तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम नितिश है और मेरे ट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ट्रू कलर एप्लीकेशन इंस्टॉल है और आप अगर आपके फ़ोन पर किसी पर्सन का फ़ोन आया तो आपने गौर किया होगा कभी कि कॉल पिक करने से पहले ही उस पर्सन का आपको कॉल डिटेल जैसे कि उसका नेम और एड्रेस आपको शो हो जाता है। तो कभी आपने गौर किया है कि ये ट्रू कॉलर जो है ये कैसे वर्क करती है और ये जो नेम और एड्रेस बताती है क्या ये वाकई में सही होती है या फेक होती है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा ट्रू कॉलर के बारे में कि ये कैसे वर्क करती है और क्या इस ये जो अपना नाम बताती है ट्रू कॉलर, जो पर्सन का ये नाम बताती है और एड्रेस बताती है, क्या ये वाकई में सही होता है या गलत होता है। तो इस वीडियो में आपको यही मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप न करें, और आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रू कॉलर ने कई लोगों को हैरान करके रख दिया है कि कैसे ये किसी पर्सन का नाम बता देता है और एड्रेस इतना फास्ट बता देता है जबकि कॉल कनेक्ट भी नहीं हो पाता। जैसे ही हम कॉल डायल करते हैं उससे पहले ही हमको ये बता देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेलुलर नेटवर्क होता है, जो सेलुलर नेटवर्क होता है और जो हमारा मोबाइल डेटा का जो 4G नेटवर्क होता है, इस दोनों में अंतर ये होता है कि जो हमारा सेलुलर नेटवर्क होता है वो थोड़ा स्लो काम करता है, वो डाटा भेजने में थोड़ा टाइम लेता है। बट जो हमारा मोबाइल का डेटा होता है जो कि जिसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो पूरा तरह से फास्ट होता है। हम यहाँ पे कॉल कनेक्ट किया, वहाँ पे कॉल पहुँच गया। आपने देखा होगा अगर व्हाट्सएप पे आप कॉल करेंगे किसी दूसरे पर्सन को, वो ऑनलाइन हो गया, अगर आप उसे कॉल करेंगे तो तुरंत कॉल लग जाता है क्योंकि जो डेटा होता है वो फास्ट होता है सेलुलर डेटा के मुकाबले। तो यही सेम जो होता है ये ट्रू कॉलर के साथ भी है। जिस पर्सन को आपने फ़ोन किया और आपके फ़ोन में इंटरनेट डाटा ऑन है, तो वो डाटा उस फोन पर्सन जिस पे आपने फ़ोन किया उसका जो डाटा है वो उससे ले आके आपको दिखा देता है कि ये इस पर्सन का नाम ये है और इसका एड्रेस ये है। क्योंकि डेटा जो मोबाइल का इंटरनेट डेटा होता है वो फास्ट होता है, और जो सेलुलर नेटवर्क के थ्रू हम किसी को कॉल करते हैं वो हमारा थोड़ा स्लो होता है। तो ऐसे में जो उसका डिटेल होता है इसलिए हमको पहले शो हो जाता है, क्योंकि वो जो नेटवर्क जो डेटा जो होता है हमारे जिससे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो थोड़ा फास्ट होता है, तो इसलिए वो हमको पहले शो हो जाता है और जो कॉल होता है वो थोड़ी देर बाद लगती है। तो सेम प्रोसेस ऐसा इनकमिंग कॉल में भी यही होता है कि अगर कोई पर्सन हमको इनकमिंग कॉल करता है तो कॉल पिक करने से पहले ही हमको उसका नोटिफिकेशन में जो उसका नेम होता है वो शो हो जाता है, क्योंकि कॉल पिक करने से पहले ही शो हो जाता है क्योंकि जो मोबाइल डेटा होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है। तो यही रीज़न होता है कि वो कि इतना फास्ट वर्क करती है। तो अब बात आती है कि क्या ये जो ट्रू कॉलर है ये सही में सही नाम बताती है या गलत नाम बताती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो ट्रू कॉलर है ये हमारे थ्रू ही नाम रखती है। ये ट्रू कॉलर अपने तरफ से किसी का रियल नेम नहीं बताती। मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल किया है और किसी ने नया सिम लिया, अगर किसी ने नया सिम लिया चाहे वो सिम किसी के भी प्रूफ पे हो, और मैंने नया सिम लिया है और मैंने अपने फ़ोन में वो सिम लगाया, मैंने अपने फ़ोन में वो सिम लगाया और मेरे फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल है, और मैंने अपने फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन के फ़ोन पे कॉल किया और उसके फ़ोन में भी ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल है, तो क्या करेगा कि ट्रू कॉलर पे जिसके फ़ोन में इंस्टॉल है और हमने उसको कॉल किया, तो उस पर्सन ने पहली बार जैसे हमारा नया नंबर जैसे हमने नया नंबर लिया है और पहली बार उस पर्सन ने जिस नाम से हमारा नंबर सेव किया तो वही नाम ट्रू कॉलर सेव कर लेगी अपने डाटा में और सबको वही नाम शो कराएगी। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जिस जो हमने पहली बार नाम नंबर पे रख दिया तो वही नंबर का नाम जो है सबको शो कराएगा ट्रू कॉलर। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने देखा होगा कि आपका नाम कुछ और होता है बट ट्रू कॉलर पे आपके नंबर का नाम कुछ और होता है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी ने गलती से आपका नेम कुछ और सेव कर दिया होता है पहली बार, और वही नाम जो है वो आपको बार बार शो कराता है ट्रू कलर। ऐसे में आप ट्रू कलर का नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने अपने फ़ोन में ट्रू कलर इंस्टॉल किया है तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाके अपना नेम भी एडिट कर सकते हो। तो इससे आपको साफ पता चल गया हो कि ट्रू कलर जो नेम हमको शो कराता है वो हमारे द्वारा ही दिया गया नाम होता है। ट्रू कलर अपनी तरफ से कोई नाम नहीं रखता और ना ही ये रियल नेम बताता है। रियल नेम ये नहीं बताता, हमारे द्वारा दिया गया नाम को ही ये शो कराता है, और सारे पर्सन के पास वही नेम शो कराएगा जो पहली बार उसका नेम शो हो गया ट्रू कॉलर इंस्टॉल किए हुए फ़ोन से। तो दोस्तों, अब आपको समझ लग गया होगा कि ट्रू कॉलर जो रियल नेम बताती है कि फेक नेम बताते, ये आपको पता चल गया होगा। ट्रू कॉलर दावा करती है कि उनका सारा फीचर पूरा सिक्योर है और इसमें आपके कोई भी डाटा चोरी होने का खतरा नहीं रहता है। तो ट्रू कॉलर ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से सिक्योर है और कोई भी इसमें डाटा लीक होने का आपका कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी पर्सन को अपना नाम शो ना कराएं तो आप ये सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन के सेटिंग में जाना है और वहाँ पे आपने जो आपका नाम शो होता है उसको आपने डिसेबल कर देना है, तो किसी भी पर्सन को आपका जो नेम है वो शो नहीं होगा। तो अब आपको समझ में लग गया होगा ट्रू कॉलर की सारी कहानी, ट्रू कॉलर कैसे काम करती है, कैसे ट्रू कॉलर जासूसी करता है हमारा, आपको ये सारी कहानी पता चल गई होगी ट्रू कॉलर की।
तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा व्लॉग चैनल भी है जो कि नितिश चेतन व्लॉग्स के नाम से है यूट्यूब पे, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस चैनल पे भी मैं व्लॉग्स वाली वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।